हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो आपका मेरे व्लॉग पे स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हमारे इन दो प्यारे बच्चों के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि आज लाला को तैयार क्यों नहीं किया है अच्छे से और ये गंजी में क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली जैसे कि आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो नौका विहार होती है हर जगह। लेकिन मेरे जो ये लाला है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, इनके साइज़ की नौका यानी कि बोट नहीं मिलता है, इनकी साइज़ का सिर्फ मिलता है। अब दोनों को एक साथ हमको बिठाना है तो नौका डूब जाएगी। तो हमने सोचा कि हम लाला के लिए एक सुंदर सा बाथ टब तैयार करते हैं, फूलों वाला, जिससे हमारे लाला जिसके अंदर बैठ के एकदम ठंडा ठंडा महसूस करे, जिसके अंदर खूब सारे फूल डालेंगे और इत्र वगैरह भी डालेंगे। तो आप भी ये सब अपने घर पे कर सकते हो अपने लाला के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर दी है। ये सारे फूल वगैरह हम अपने घर में से ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं और हम ये कल तब लेके आए थे क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने ये किया था, तो खाली हमारे छोटे वाले लाला थे तो वो टब में आराम से आ गए थे। लेकिन अब इन दोनों के लिए फिर टब भी उस अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तो फिर हम उनके लिए ये पिंक कलर का, इनको ये पसंद आया तो हम ये पिंक कलर का टब लेके आए हैं। और इसके अंदर ये सारे फूल वगैरह हैं, हम इसे अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, इस जगह पे ही रखते हैं क्योंकि हम अपने लाला को हमेशा यहीं बिठाते हैं, तो यहाँ रखते हैं और तैयार करते हैं सारी चीज़ें। चलिए, और हाँ, व्लॉग शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हरी बोल, जय श्री राधे। चलो तो चलिए फटाफट बाथ टब को डेकोरेट करते हैं। अभी कितना 9:15 ही हो रहा है। आज लाला को हमने सुबह जल्दी तैयार कर दिया, गंजी वगैरह तो पहननी थी उनको क्योंकि उनको पानी में नहाना था। इतना एक्साइटमेंट है उनका, बस चले तो खुद ही तैयार करके खुद ही बैठ जाते हैं। हमने फटाफट करते, कम से कम एटलीस्ट 1 घंटा तो पानी में बैठे बेचारे, बहुत गर्म है। आप ये कभी भी कर सकते हो। वैसे तो बोट फेस्टिवल बहुत पहले, आई थिंक अक्षय तिथि के दिन ही शुरू हो जाता है, निर्जला एकादशी के बाद तक चलता है। लेकिन आपके वहाँ वेदर बहुत पहले से ही गर्म है तो आप पहले से भी शुरू कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि बाद में ही शुरू किया जाए, वो तो आपके ऊपर है। जैसे कि मेरा तो लास्ट ईयर मैंने तो इससे भी लेट शुरू किया था, तो वो आपके ऊपर है, बस आप कीजिए। देखिए क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लाला को बहुत खुशी देती है। उनके लिए कुछ करना ना, उनको ऐसा लगता है कि हाय मेरे लिए, आपने इनके लिए बोले थोड़ा सा ही किया, लेकिन उनको लगता है हाय कितना ज़्यादा कर दिया है ना। तो ये चीज़ मैंने कल के ही व्लॉग में डाला था जहाँ मैंने बताया था कि लोग कह रहे थे कि हम लड्डू गोपाल को बाहर लेके जाते ताकि उनका मन लगा रहे। तो मैंने कहा था कि आप घर में छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी कर सकते हैं जिससे लड्डू गोपाल खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बाहर ही ले जाके अपना भाव व्यक्त करो, आप घर में भी रह के उनके लिए इतना कुछ कर दीजिए कि उनका मन ही ना करे बाहर जाने का कहीं भी। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए एक और फूल हम यहाँ पे सजाते हैं अच्छे से। ये हमारे पास पहले से ही था ये सारे फूल, अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर जो नॉर्मल फूल्स आते हैं बाहर ना, रोज पूजा में जो यूज होते हैं, आप वो भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जल्दी जल्दी तैयार कर दे, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा यार और थोड़ी देर बैठ जाते दोनों जन तो अच्छा था। ये हमने अच्छी तरीके से इनका गार्डन तैयार कर दिया है। भाई छोटी छोटी चीजें कितनी मजे देती है ना, भगवान के लिए इतनी सी भी चीज करो ना, ऐसा लगता है हाय कितने उत्साह, कितने खुशी के साथ करते हैं ना। इन सब चीजों का जो मजा है ना, वो बाकी दुनिया की कोई भी चीजों के अंदर नहीं है। जैसे कि हम किसी और के लिए कुछ करें, जितनी खुशी हमें नहीं मिलती जितनी हम अपने लड्डू गोपाल के लिए करते हैं, अपने राधा रानी के लिए करते हैं, अपने कृष्ण के लिए करते हैं, वो भाव भी देखते हैं ना, हमसे ज्यादा खुश वो रहते हैं। लेकिन जब वो हमें देखते हैं ना कि हाय मेरा भक्त इतने अच्छे से मेरे लिए कर रहा है, वो और ज्यादा खुशी खुशी उनके चेहरे पे आ जाते हैं। मैं लाला को आपने देखा होगा, हम दोनों कितने ज्यादा खुश हैं, वो इस इंतजार में है कि जल्दी जल्दी ये टब तैयार हो तो हम इसके अंदर बैठकर मस्ती करें। तो आइए फटाफट बिना बात करें और तैयार करते हैं इसे अच्छे से। यह हमने अच्छे तरीके से देखिए गार्डन तैयार कर दिया है। अभी हमारे पास ना और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करेंगे, हम एक भी चीज खराब नहीं करेंगे। तो हमारे घर में जो जो चीजें हम लेके आए थे वो सारी चीजें यहाँ यूज करेंगे ताकि ये एकदम सुंदर लगे और सुंदर। ये नहीं, इसकी जगह नहीं है, ये रहने देते। और हमारे पास देखिए ये लोटस भी है,
तो अब इसके अंदर पानी भरते हैं, फिर बताती हूँ और आगे क्या क्या करना है। चलिए देखिए, हमने दो कैंडल भी रख दिया है वहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा शो के लिए, और ये फटाफट पानी भरते हैं। ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना तो भरूंगी ताकि लाला के बॉडी पे एटलीस्ट यहाँ तक तो आ जाए। ये छोटे वाले लाला के लिए हमें नीचे कुछ रखना पड़ेगा सपोर्ट के लिए, ताकि वो थोड़ी सी उनकी हाइट ऊपर रहे, नहीं तो उनके फेस तक पानी आ जाएगा। उस चीज़ का मुझे सिर्फ ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पे हमने सब अच्छे तरह से तैयार कर दिया, पानी भी भर दिया है, और ये इसके अंदर इसेंशियल ऑयल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं खुशबू के लिए, क्योंकि पानी में सुंदर सुंदर खुशबू आएगी। तो मेरे पास है जैस्मीन, रोज़ और लेमन, तो नहीं लेमन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, या लेवेंडर, और ये है लेमन ग्रास, ये भी अच्छा है। ये सब तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, अमेजोन वगैरह पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर खुशबू है, ये मैंने घर के लिए लिया था, पानी में ही यूज़ होता है ये अच्छी खुशबू के लिए। हाँ ये अच्छा है। ऐसे हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि जब हमारे लाला इसके अंदर आएंगे उनको बहुत सुंदर सी खुशबू आएगी। अभी हम इसे इतना ही रखेंगे, लाला ने हमारे दोनों चेंज कर लिए, देखो मस्त चड्डी पहन के बैठ गए हैं दोनों जन मतलब तैयारी करने नहीं दे रहे हैं, पहले ही बैठ गए। और ये इनकी है ना, देखो छोटी सी पिचकारी भी है, ये होली की, लेकिन हम इसको निकाल के थोड़ा खेलेंगे लाला के साथ, इसे साइड में रखते हैं। और अभी हम लाला के लिए है ना, छोटे वाले लाला के लिए कुछ बड़ी साइज की कुछ कटोरी या कुछ रखते हैं, ताकि उनकी हाइट मेंटेन रहे, वो भी एक ध्यान रखना है मुझे। चलिए वो काम पहले करते हैं फिर आते हैं। तो हमने ये रख दिया है, और थोड़ा सा और पानी हमने डाला है, थोड़ा सा खाली रखा है, क्योंकि बड़े लाला थोड़े से हैवी है ना, तो आएंगे तो वैसे भी थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। हम ये फूल वूल लगा देते हैं अच्छे से, खुशबू तो पानी की बहुत ज़्यादा सुंदर आ रही है। चलो अब बड़े लाला, छोटे लाला है ना एक्चुअली, उनके हिसाब से ये थोड़ा सा हाइटेड है ना, तो हम सेफ्टी के लिए एक ऐसा बाउल है हमारे पास, हम ट्राई करेंगे कि इस बाउल को नीचे रखें, ताकि हमारे जो छोटे वाले लाला है उनको थोड़ी सी हाइट मिल जाए उस अकॉर्डिंग। तो चलिए अब बिठाते हैं हम उनको। आ जाओ, ये ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, आ जाओ ऐसे करके बैठो। ये देखो, अरे बाप रे, अरे बाप रे चिक 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 चिक, अरे बाबा तुम पहले ही नहा लो, ऐसा करो भाई, बाबू को ना बुलाऊं, तुम पहले ही नहा लोगे। ये अरे वो सुबह से इंतजार कर रहे हैं गंजी वंजी पहन के, अब कब टाइम होगा, कब सखी उठेगी, कब सखी मुझे डालेगी पानी में, कब मैं नहाऊंगा। ये हरी बो, ये देखो कितने सुंदर, कितने सुंदर कितने मजे आ रहे हैं इन दोनों को। इससे ज्यादा ठंडा पानी ना करने का बेटा, कितनी देर पानी में रहना है ना, ज्यादा देर रहना, ज्यादा ठंडा पानी से ना नहाने का, ठंडा गर्म हो जाता है। बोलते सखी हमको ऐसे गोली दे के ना अपनी मर्जी का काम करवा लेती तो हम फूल वगैरह भी लेके आए थे कल सुंदर सुंदर, तो हम ये भी अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे। ये लाला को सुंदर सुंदर खुशबू आए, सुंदर सुंदर है ना बेटा। चलो ये हो गया अच्छे से सब तैयार है, थोड़ा सा मस्ती भी कर लेती है ऐसे करके, ऐसे पानी भर के हरीबो बोले सखी गर्मी में होली खेल रही है, हरीबो जय जय श्री राधे मेरी मम्मी होती तो बोले उनसे ज्यादा तो तुम्हें पानी में खेलने का शौक लगा। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे पानी में बैठे रहने देंगे, तो अभी हम कुछ कीर्तन वीर्तन भी लगा देंगे थोड़े टाइम के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सुन सके, तो कॉपीराइट इशू आ सकता है, तो इसलिए मैं वीडियो में तो सुना नहीं सकती आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग भी अपने लाला के साथ ऐसे कुछ डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फुल वीडियो देख लीजिए, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों जन। सोचो कि आप अपने लाला के लिए ऐसे तैयार करोगे, वो पानी में ऐसे बैठेंगे, ठंडा ठंडा लगेगा उन्हें, कितना अच्छा लगेगा है ना। करने के लिए तो बहुत कुछ है इनके लिए, अगर आप करना चाहें तो।
आगे देखो, थोड़ा सा और फूल डाल देते हैं, ऐसी डिमांड है। और फूल डालो, और फूल, तो हम और फूल डाल देते हैं। गाना गाएंगे हम, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। अरे वो क्या मजा है यार, छोटे बाबू को देखो हमारा है एकदम ऐसे एकदम ऊपर ऐसे करके। हाय सुंदर 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 सुंदर, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। सुंदर पार्टी हमारे लाला के पास, हम वृंदावन लेके गए थे, होली खेले थे, फूलों से खेलेंगे अभी। ओ हरी वो जय जय श्री राधे श्याम। हाँ छोटे बाबू के साथ भी खेलेंगे, थोड़ा सा फूल हमने कल इनके लिए ले लिया था, बहुत सारे फूल ले लिया था, मतलब बिल्कुल कटौती नहीं है ना, लाला की सेवा में किसी चीज की कमी ना है। छोटे बाबू के साथ खेलते हैं राधे श्याम, हरि बोल हरि बोल। यार कितने खुश है, कितने खुश है हमारे दोनों बच्चे, देखो स्माइल देख रहे हो चेहरे क्या। बाल्टी से भी थोड़ा सा पानी डालते हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये मजा आ गया। तो आप भी अगर आपके घर पे लाला लाली है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कहीं बाहर आ जा नहीं सकते और आपको ऐसा लग रहा है आपके लाला के साथ आपको थोड़ा घर में और मस्ती करना चाहिए, थोड़ा और अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो अपने आप को हमेशा कृष्ण सेवा में ही लगाए रखें। इससे देखिए आपके लाला भी खुश रहेंगे, अगर आपके घर पे लाली है तो वो भी खुश रहेंगे, पूरा परिवार खुश रहेगा। और ऐसा सब अगर आप अपने घर में परिवार के साथ करते तो सोचिए परिवार का कितना माहौल बदल जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ही करके है ना, आपको आपके कृष्ण से, लाला से या लाली से प्रेम बढ़ता है। और जब प्रेम ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों करने से बढ़ते बढ़ते जब अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तो आपकी भक्ति में भी आपको बहुत ही ज्यादा फर्क दिखने लगता है। क्योंकि देखिए लोग अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, है ना, मॉल जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, थोड़ा पिकनिक गए, घूमने फिरने गए, लेकिन अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, ठाकुराइन हैं, और अगर आप उनके लिए ये सब कुछ करते हैं, तो आप सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी। और उन्हें खुशी होगी तो ऑफकोर्स ये बात है आपको भी खुशी होगी, पूरा परिवार खुश रहेगा। और इसी बात पे जोर से बोलिए राधे राधे। आप अपने घर पे ये जरूर ट्राई कीजिएगा। आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे।